सो व्हाट फैमिली टू फैमिली। तो मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो डेली से मैं आज बताने जाने वाला हूँ। 4x2 जो स्टाइल साइज है उसे हम कैसे पेस्ट करते हैं प्लाई बोर्ड के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सही सुना है, ये फ्रेंड्स मेरा प्लाई बोर्ड ही है, पर इसे पायजन बोर्ड बोलते हैं और 18 mm वाला आता है। एंड फ्रेंड्स इसे हम सीमेंटेड बोर्ड भी बोला जाता है एंड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो ये है प्लाई है, हमने यहाँ पूरे पे तर दिया है अपना प्लाई फेसिस पे बाय दी हेल्प ऑफ जिप्सम मिस्त्रू। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने टाइल चिपलाना शुरू कर दी है। फ्रेंड्स जनरली होता क्या है, हम जो है ना अपने जो टाइल्स हैं उसे हम चिपलाते हैं सीमेंट और बदरपुर के उससे मिस्टर से, पर यहाँ पे फ्रेंड्स तो सब बात डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है क्लैमिजल 315 नंबर वाला। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे 305 भी आ रहा है, 315 भी आ रहा है, मैं 315 वाला लिया हुआ है क्योंकि 315 वाले के लिए जो सेटिंग टाइम जो होता है वो बहुत ही लो होता है, मतलब जल्दी से जल्दी चिपकता है बोर्ड से हमारे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लाई बोर्ड के ऊपर सबसे बढ़िया 315 नंबर वाला सीमेंट क्लैमिजल तो बैठ रहता है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए उन्होंने जो टाइल्स हैं वो लड़ दी हैं फिस अपनी। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऊपर से वो मार रहे हैं, चाहते लीजिए उससे हमारे जो क्लैम मिला चारों तरफ फैल जाए और अच्छे से चिपक जाए। तो फ्रेंड्स ये हमने जो है शुरुआत कर दी है अपनी टाइल्स वाली। एंड फ्रेंड धीरे धीरे हम इसे लगा रहे हैं, हमने 3 टाइल पेस्ट कर दिए हैं अपने वॉल, अपने जो हम मैं इसे वॉल ही बोलूँगा तो दीवार ही है पूरी। ये एंड फ्रेंड देख ली यहाँ पे ये दे रहे हैं ध्रुव, ध्रुव मैंने यहाँ पे 4 mm वाला स्पेसर लिया। तो फ्रेंड्स अब स्पेसर क्या होता है, ये होता है स्पेसर। फ्रेंड्स देख लीजिए स्पेसर जो है ना इसे हम ऐसे लगाते हैं, हाँ ऐसे हम प्लस के साइन में इसे लगाते हैं, हमारा जो ध्रुव है वो अच्छे से आए। हम फ्रेंड्स ध्रुव क्यों देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसलिए हम ध्रुव दे क्यों दे रहे हैं इसमें। बोलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्रुव हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारी जो बाद में एप्रोसी या फिर राउटिंग जो होनी है वो अगर हो तो इसमें अच्छे से वो भर दें हम। एंड फ्रेंड उससे थोड़ा सा डिजाइन अच्छा आता है अपने एप्रोसिया राउट बनने से। एंड फ्रेंड देख लीजिए यहाँ पे ये क्लैमिजल इन्होंने मिला लिया पानी में। फ्रेंड्स बस ये जो रहता है वो सीमेंट जैसे ही होता है, बस ये पानी में मिलाओ और ये मिक्सचर अपना बन जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये अच्छे से इसे पूरे टाइल पे पेस्ट कर रहे हैं जो मिक्सचर है अपना। एंड फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करो एंड भाई तो इंस्टा पे फॉलो भी करो फटाफट से। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने पूरे उस पर टाइल पर ला दिया है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए अब जो हमारी जो पहली जो रो है अब ये दूसरी रो होने वाली है, इसलिए ऊपर टाइल फिक्स होने वाली है ये वाली। फ्रेंड देख लीजिए इतने ऊपर ऐसे टाइल फिक्स हो जाती है। एंड फ्रेंड देखने वाली बात यही है कि यार मतलब इतना सेटिंग टाइम इसका क्लाइमेट इतना अच्छा है कि नीचे वाला टाइल जो है ना 15 से 20 मिनट में फिक्स हो देती है अपने स्पेस पे, और अभी ये पता है हिलने वाली भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यही होता है 4x2 टाइल साइज जो होता है ना मैटर, तो यही होता है इसका जो सेटिंग टाइम होती है वो बहुत लो होनी चाहिए, अगर लंबी हुई तो फ्रेंड्स हो सकता है टाइल बाहर आ जाए। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने ऐसे पूरी टाइल बना दी और फ्रेंड्स ये देख लिए यहाँ पे इन्होंने पूरी टाइल फिक्स कर दी अपने पायजन बोर्ड पे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो चैनल को।